हेलो पिला माने, अच्छा पिला माने, आमे विभिन्न प्रकार मिश्रण नहीं उपादान गुड़िक केमिति अलग करा जाए आमे गुटिए परे गुटिए आलोचना करी चालीचु। आजि वर्तमान आमे आलोचना करिबा अशुद्ध कॉपर सल्फेट नमूनारु केमिति विशुद्ध कॉपर सल्फेट आमे बाहर करिबा सही विषय आसो आलोचना करिबा। पिला माने जानिचो एई पद्धतिर ना हैला स्फटिकीकरण। देखो पिला माने, से पद्धतिर ना हैला स्फटिकीकरण। ताहले पिला माने, आमे आज उदाहरण सह स्फटिकीकरण पद्धति कौन बुझीबा तार सोपान गुड़िक आलोचना करिबा। एहा सहित स्फटिकीकरण काहीकि व्यवहार करा जाए एवं स्फटिकीकरण को स्थान रे व्यवहार करा जाए से गुड़िक मध्य आज आमे आलोचना करिबा। ताहले अशुद्ध कॉपर सल्फेट नमूनारु आमे विशुद्ध कॉपर सल्फेट केमिति पाइबा आसो तार सोपान गुड़िक आमे वर्तमान गुटे गुटे आलोचना करिबा। 5 ग्राम रो कॉपर सल्फेट नहीं पिला माने, कॉपर सल्फेट तुम्हें जानते तृतीया बोली, ताले 5 ग्राम रो कॉपर सल्फेट नहीं ताकू नहीं पानी रे गुड़े। देखो वर्तमान पिला माने, गुटे आमे गुटे द्रवण प्रस्तुत करिचु। एही कॉपर सल्फेट नमूना रु जो आमे द्रवण प्रस्तुत करलु एथुरु आमे विशुद्ध कॉपर सल्फेट केमिति पाइबा आसो गुटे परे गुटे स्टेप आकारे आलोचना करिबा। प्रथमे आमे कोन करिबा पिला माने, ना ई जो कॉपर सल्फेट अछि कॉपर सल्फेट को फिल्टर पेपर द्वारा काले से अपद्रव गुड़िक भाषमान अपद्रव गुड़िक लागी थी आम प्रथम कॉपर सल्फेट द्रवण रु से गुड़िक अलग करने प्रथम आस परिश्रवण पद्धति अवलंबन करवा। ताले पिला माने, एहा गुटे बेसिन वर्तमान एमें कॉपर सल्फेट को परिश्रवण करवा। काले से भाषमान अपद्रव गुड़िक रही आम प्रथम से गुड़िक अलग करवा। परिश्रवण पद्धति अवलंबन कले बर्तन परिश्रवण पद्धति अवलंबन कला बर्तन आम कौन करवा ना यह गरम करवा। ताहले बर्तन परिश्रवण कले बर्तमान आम गरम करवा। केते समय पर्यंत गरम करवा ना या गरम उत्तप्त कर एक पृक्त द्रवण प्रस्तुत करवा। यह एक पृक्त द्रवण आकार प्रस्तुत करवा एवं पृक्त द्रवण पर बर्तमान या आम गरम करवा। गरम करवा केते पर्यंत ना यह एक पृक्त द्रवण प्रस्तुति पर्यंत यह आम गरम करवा। पृक्त द्रवण प्रस्तुत हो सारापर कौन करवा पिला माने, ना एक पृक्त द्रवण प्रस्तुत करदे। पृक्त द्रवण प्रस्तुत कर सारापर आम एगुड़ी बर्तमान से जो बेसिन जो पृक्त द्रवण कॉपर सल्फेट पृक्त द्रवण रही आम एक फिल्टर पेपर द्वारा घोड़े आम घर गोटे रूम र ताको कोणरे 24 घंटा पाई स्थिर कर रखा। एवं पिला माने जानिचो किछि समय परे ता मध्ये तुम्हें कॉपर सल्फेट स्फटिक गुड़िक देखा पाइब। पिला माने, एही होची अशुद्ध कॉपर सल्फेट नमूनारु आम केमिति विशुद्ध कॉपर सल्फेट पाइबा ए गुड़िक तार विभिन्न सोपान गुड़िक मु तुमको कहली। वर्तमान एही पद्धतिर ना हैला स्फटिकीकरण। ए पद्धतिर ना हैला स्फटिकीकरण। पिला माने आसो आलोचना करिबा आमे स्फटिकीकरण पद्धति काहीकि व्यवहार करिबा। अच्छा पिला माने, आमे तो बाष्पीभवन पद्धति अवलंबन कर पारिथांते आमे गरम कर दियंते जल बाहरी जानता बाष्पीभूत हो जानता आमको लास्ट कॉपर सल्फेट मिल जानता। ताहले आसो पिला माने जानिबा बाष्पीभवन परिवर्ते आमे काहीकि स्फटिकीकरण पद्धति अवलंबन करिबा। एमिति कोन असुविधा अछि जे आमे बाष्पीभवन परिवर्ते स्फटिकीकरण पद्धति अवलंबन करिबा आसो से विषय आमे आलोचना करिबा। पिला माने, जदि आमे बाष्पीभवन पद्धति व्यवहार करिथांते ताहले जानिचो पिले शुष्क हेबा पर्यंत आमे गरम जदि करिबा तेबे कठिन विघटित होई जांती अथवा आउ केतेक कठिन मध्य चीनी परि संपूर्ण भाव रे पुड़ी जाई कला पड़ जांती। ताहले पिला माने, शेष समय जो आमे कठिन पाइबा पई चाहुतुलु जो जोगी गोटी पाइबा पई आमे आशा रखिबु ताहा कौन हम पिला माने ताहले विघटित होइजिवो किंबा कला पड़जिवो। सेइतपई आमे बाष्पीभवन पद्धति केबे व्यवहार करि परिबा नाही। तारे आसो पिला माने आउ गुटिए कारण जानिबा। सेहिपरि जदि आमे बाष्पीभवन पद्धति अवलंबन करिबा ताहले आमे संपूर्ण जाहाको कहंती विशुद्ध कठिन पाई परिबा नाही। कारण परिश्रवण परे भी केतेक अपद्रव द्रवण रे द्रवीभूत होइ रहि जाय पारे बाष्पीभवन समय से गुड़िक कठिन को दूषित करिपारे। किंतु आमे जदि
ସେଗୁଡ଼ିକୁ କ'ଣ କରିବା ନା ଯଦି ଆମେ ସ୍ଫଟିକୀକରଣ ପଦ୍ଧତି ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ତେବେ ସେ କଠିନ ଆଉ ଦୂଷିତ ହୋଇ ରହିବ ନାହିଁ, ଆମକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏକ ବିଶୁଦ୍ଧ ସ୍ଫଟିକ ମିଳିପାରିବ। ତାହେଲେ ଆସ ପିଲାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଫଟିକୀକରଣ ପଦ୍ଧତିର ପ୍ରୟୋଗ ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପିଲାମାନେ, ସମୁଦ୍ର ପାଣିରୁ ଆମେ ଲୁଣ ପାଇଥାଉ, ଲୁଣ ତ ଗୋଟେ ସ୍ଫଟିକ ଅଟେ। ସେ ଲୁଣର ବିଶୁଦ୍ଧିକରଣ ଆମେ ଏଇ ସ୍ଫଟିକୀକରଣ ପଦ୍ଧତିରେ ହିଁ କରିଥାଉ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଅଶୁଦ୍ଧ ନମୁନା ଗୁଡ଼ିକର ଫିଟିକିରିର ସ୍ଫଟିକ ପୃଥକୀକରଣ ମଧ୍ୟ କରାଯାଏ। ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛ, ଫିଟିକିରି ବି ଗୋଟେ ସ୍ଫଟିକ। ତାହେଲେ ଆମେ ଫିଟିକିରି ସ୍ଫଟିକକୁ ଆମେ କେମିତି ବିଶୁଦ୍ଧ କରିବା, କେମିତି ପୃଥକୀକରଣ କରିବା? ଯେଉଁପରି ଲୁଣର ବିଶୁଦ୍ଧିକରଣ କରାଯାଏ, ସେମିତି ଫିଟିକିରି ସ୍ଫଟିକର ମଧ୍ୟ ବିଶୁଦ୍ଧିକରଣ ଏହି ସ୍ଫଟିକୀକରଣ ପଦ୍ଧତିରେ କରାଯାଏ। ପିଲାମାନେ, ସ୍ଫଟିକୀକରଣ ପଦ୍ଧତିରେ ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଲ କଥାଟିକୁ? ତାହେଲେ ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ବିଷୟଟି ସହଜ ହେବ ଏବଂ ବୋଧଗମ୍ୟ ହେବ। ତାହେଲେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଏବଂ ନମସ୍କାର।